हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में और मैं हूँ आपकी होस्ट दिव्या। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस करें और इसे शेयर करें। तो आज हम पनीर भुर्जी बनाएंगे। ये बहुत झटपट बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे रोटी, पूरी, पराठे या तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, उसे हाथों से ही मैंने क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसे ग्रेट कर लें। 2 छोटे चम्मच मैंने हरी मटर ली है, फ्रोज़न मटर है ये। 1 बड़े टमाटर को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 3 मध्यम साइज़ के प्याज को मैंने इस तरह काट लिया है। थोड़ी सी धनिया पत्ती और थोड़े से अदरक को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप ना यूज़ करें। 2-3 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह काट लिया है। नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी आधी छोटी चम्मच, गरम मसाला आधी छोटी चम्मच और लाल मिर्च भी आधी छोटी चम्मच। तो सबसे पहले हम गैस जलाएंगे और कढ़ाई रखेंगे। तेल आप अपने हिसाब से लें, मैंने यहाँ 2 चम्मच तेल डाला है। आप चाहें तो इससे कम तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को गरम होने देंगे और तेल गरम हो जाए तो सबसे पहले हम उसमें अदरक डालेंगे। तो तेल गरम हो गया है, हम सबसे पहले अदरक डाल देंगे और फिर हरी मिर्च भी डाल दें। कुछ सेकंड तक भुनने के बाद हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। तो मैंने प्याज भी डाल दिया। इसे चला लें अच्छे से। हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है प्याज को। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी भून जाए प्याज। और हम इसी के साथ मटर भी डाल देंगे ताकि प्याज और मटर साथ साथ भुने, तो मटर भी थोड़ी पक जाएगी। तो मटर भी हमने डाल दिया। अब प्याज और मटर दोनों हम 1-2 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद हम देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है प्याज का। तो हम यहाँ पे सूखे मसालों में हल्दी और मिर्च पाउडर इसी समय डाल देंगे। इसे मिला लें अच्छे से और हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे इसे, बस कुछ सेकंड तक मिला लें। उसके बाद हम टमाटर भी झटपट डाल देंगे। टमाटर को भी मिला लें अच्छे से और इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। तो टमाटर सॉफ्ट हो गया थोड़ा सा, तो हम इस समय पनीर डाल देंगे। पहले नमक डाल दिया मैंने, गरम मसाला डाल दें इसी समय। और फिर हम पनीर डाल देंगे। पनीर को अच्छे से मिला लें और पनीर को हमें 2-3 मिनट तक भूनना है। जो बड़े टुकड़े हैं उन्हें इस तरह से थोड़े से प्रेस करके उन्हें छोटे कर लें। मैंने पनीर को हाथों से ही मैश करके यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी सकते हैं आप। इसे 2-3 मिनट तक हमें भूनना है। उसके बाद हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे
और लीजिए झटपट पनीर भुर्जी तैयार है। ये बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपकी कोई तैयारी ना हो सब्जी बनाने की, तो घर में पनीर अगर मौजूद है तो आप फटाफट बना सकते हैं। ये रोटी पराठे पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक आप मेरे कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक का बटन प्रेस करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।